It's brought to you by allaboutmqm.org, the MQM's knowledge base. आज जो भी हुआ ठीक है, आपका राइट है, डेमोक्रेटिकली आपने वॉकआउट किया, जो भी किया मुझे उससे लेना देना नहीं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वजीर दाखला के कौन से वो हाथ हैं मफामत के बंधे हुए जो कि पुलिस खड़ी देखती रहती है तमाशा और लोग टारगेट किलिंग करके चले जाते हैं, जिसमें आपके कारकुनान मारे जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी के कारकुनान मारे जा रहे हैं, एएनपी के कारकुनान मारे जा रहे हैं, तो फिर ये लैंड माफिया से इनका क्या ताल्लुक हुआ? बहुत शुक्रिया जैस्मिन। मैं थोड़ा सा जो भी पहले शाही सैयद साहब ने बात की कि मफामत और बेगैरती की मिसाल दी, मैं इसको इस स्टेटमेंट को काफी हद तक मैं यूं तस्लीम करता हूं कि मफामत वो है जो मुल्क की बेहतरी में, शहर की बेहतरी में की जाए और एक दूसरे को बर्दाश्त किया जाए, चाहे कुछ भी हो जाए एक दूसरे पे तानाजनी से गुरेज किया जाए और फरार दिली से तस्लीम किया जाए। बेगैरती यह है कि आप सूफी मोहम्मद मुस्लिम खान जैसे लोगों से मुजाकरात करें, उन्हें लाएं, अपने हजारों लोग मरवाएं, आम आवाम मरवाएं, और उस चीज को बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा और मैं बड़ा सपोर्ट करता हूं। और जहां तक आपने किसी से गुरेज किया जाए और साथ ही ताना मार दिया, नहीं ये मफाहमत है, ये आपके इसलिए, पार्टनर है ना, इसलिए इसलिए कि मफाहमत का जो लफ्ज है, जो रिकंसिलिएशन का लफ्ज है, वो मैं अगर आप इजाजत दें और फैसल बैठे हैं यहाँ, ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की इस्तलाह है, ये रिकंसिलिएशन पीपल्स पार्टी का चार्टर है, हम इसको बड़ी रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं और ये वो रिकंसिलिएशन है जिस वजह से आज तक पाकिस्तान कायम हो दायम है। मैं अपने अल्फाज दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यही वो रिकंसिलिएशन है कि पाकिस्तान अपने पूरे जोग्राफिया में आबोताब के साथ दुनिया के खित्ते पे इस वक्त हमारे वजूद में है। क्या मतलब तो अगर इससे ये कोलिशन ना बनती इंतखाबात के बाद खुदा ना खासा पाकिस्तान टूट जाता? लेकिन जैस्मीन अगर आप प्रीवियस तनाजों में जाए बात लंबी हो जाएगी। इस वक्त जो सिस्टम पाकिस्तान के जो पैरामीटर्स हैं दे आर वेरी सेंसिटिव इंटरनेशनली एंड नेशनली, आपने उस चीज को हर प्रोग्राम आपने उस पर किए हैं, आप समझती हैं कि उन चीजों को तमाम पार्टियों को इस वक्त एक दूसरे के साथ मिल बैठकर सिर्फ एक एजेंडे पे बात करनी है, वो एजेंडा है पाकिस्तान। जहां दूसरी बात आपने की कि असेंबली में आज जो कुछ हुआ और पुलिस तमाशाई देख रही है, हमने देखा आशूर के मौके पर एएनपी के भी काफी लोग गए, हमने जो एक कमीशन कायम हुआ उसमें जाकर हमने भी 86 अपने वर्कर्स की 2009 में शहादतें जो है ना क्लेम किया, इस बात पर तमाम सियासी पार्टियां इत्तेफाक करती हैं बशमूल पीपल्स पार्टी एएनपी और एमकेएम, क्रिमिनल के खिलाफ जब एफआईआर दर्ज हो और उसके खिलाफ जब ट्रायल हो, एविडेंस हो, तो उसको गिरफ्तार करके फौरी तौर पर अदालतों में पेश करके सजा दे दी जाए। मैं अब यह एक बात और करूं, 86 के करीब यहां पर जिनको हम अपनी इस्तलाह में इंतहाई वांटेड और गवर्नमेंट की इस्तलाह में तालिबान और हम वो कहते हैं, वो गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार होने के बाद 17 उसमें अदालतों से बेगुनाह साबित होकर बरी हो गए, इंतहाई खतरनाक किलिंग। खतरनाक है ना, अगर अदालत ने उसे बेगुनाह बरी कर दिया है तो हम तो उसमें नहीं, हमने मैं भी कुछ नहीं, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो लैक ऑफ एविडेंस है, लैक ऑफ एविडेंस है। यहां गिरफ्तारियां हो रही हैं, एडमिट कर रहे हैं, 6 पुलिस वाले कत्ल हुए, 9 एमकेएम के कारकुन मार दिए, 2 एपीपी के मार दिए, ये एडमिट कर रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, वो खुद कन्फेस करते हैं और ऐसे इंतहाई खतरनाक मुजरिम यहां मौजूद हैं। दूसरी बात आपने एक और बात की, अब आप उस तरफ भी मैं आ रहा हूं, जब हम ये बात कहते हैं कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई तालिबानाइजेशन या दहशतगर्दी इंतहा पसंदी, देखिए इसको पॉइंट स्कोर न लें, इसके ऊपर बजाय हंसने के इसको संजीदगी से गौर करें। आज से 3 साल पहले लोग सवात वजीरिस्तान पर भी हंसते रहे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं गो के सिचुएशन वजीरिस्तान मालाकांड सवात की नहीं है, लेकिन जो नेक्सस यहां मौजूद है, ये नेक्सस यहां पर खेलकूद या पार्क में घूमने नहीं आया। आज वजीर दाखला ने जो स्पीच में बात की उन्होंने कहा ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मर्डर्स हैं, किलिंग्स हैं, मेरे हाथ मफामत में बांधे हुए, अगर इन्हें खोल दो तो तमाम सियासतदान और पॉलिटिकली मोटिवेटेड मर्डरर्स को मैं चौराहे पे उल्टा टांग दूं। आप उनके कोलिशन पार्टनर हैं, आपको तो आज ताली बजा के कहना चाहिए था हाँ जुल्फिकार मिर्जा तुम्हारे साथ है और मारो सबको, लेट्स गो। हमने उनके इस बयान पर, इस जुमले पे ना ही और ना ही उनको हमने ये कहा कि वो किसी मर्डर या किलर्स को रोके या उस पर हमने कोई, ये बहुत अच्छी बात, उनके जज्बात की भी हम कदर करते हैं, वो होम मिनिस्टर हैं, लेकिन जो उन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज की, दो बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। कराची के लोगों में तुम्हें वार्न करना चाहता हूं, मैं उनको जो हो सकता है जज्बात में कह गया हूं, मैं आपको उसकी बात भी बताऊंगा क्या हुआ। आपने भी कहा कराची के लोगों के पक्ष में, एमएनए
माजरत भी उसकी शाया हुई है ना, ठीक है, माजरत भी शाया हुई है, मैं भी आपसे माजरत कर लेंगे, अगर कर लेंगे तो मोस्ट वेलकम, आई अप्रिशिएट। कराची के लोग जब उन्होंने कहा उसमें आपने अपने आप को समझा, सब उसमें बट वी आर ऑल कराची सबका, कराची सबका लगता तो डेमोक्रेटिक मैंडेट है, यहाँ पर यहाँ सीटें हैं, 18 फरवरी के बाद ये इख्तियारात की जंग का सवाल ही पता नहीं होता, ये तो गलत तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं इश्यूज को, एमएनएस एमपीएस और चौकों पे पॉलिटिशियंस को उल्टा लटका दें। देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश करें, उनकी तकरीर के अगर आप मिनट्स निकालें तो 15 मिनट तक हमने कोई एहतजाज, ठीक, डॉक्टर सगीर आए हमारे तरफ से रिप्रेजेंटेशन की, सबसे सॉफ्ट सबसे वो कूल पर्सनालिटी है, उन्होंने खड़े होकर अपनी स्पीच करना चाहिए और एक ठंडे लहजे में उन्होंने अप्रिशिएट करते हुए कुछ बातों की वजाहत करके उन्होंने बैठना था, उन्होंने कहा सुल्तान जाही वाला था, मेरी एक बात सुन लें, जो चीज उन्होंने गलत थी वो मैं भी आपसे कह रहा हूं कि ये दो जुमले हमें भी गलत लगे और हैं गलत, कुरान की बातें हो रही है दूसरी बातें हो रही है गलत है। देखिए ललकारना, अपने आप को इस तरह से एक्सपोज करना, दूसरे को तजीक करना, हम भी पार्लियामेंटेरियन है, वोट देकर आए, हमें किसी ने कोई इनविटेशन लेटर नहीं दिया असेंबली में आने के लिए, बात है हमारी पार्टी हमारा मैंडेट है, लोग हमारे कायद को चाहते हैं, हम यहाँ 51 सीट लेकर असेंबली में, लेकिन जो उसके बाद जब वो बात कर रहे थे वो तो सॉफ्ट स्पोकन, उसको बात तो करने देते, जब वो परमिशन ऑफ द चेयर के साथ बात कर रहा है 215 पे उसका इस्तीफा से बात करने का, आपको पता है इसके बाद स्पीकर की रूलिंग क्या थी, गेट आउट, इनका माइक बंद कर दो, जैस्मीन इट्स वेरी बिग सेंटेंस फॉर द मिनिस्टर सिटिंग मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट कि आप उसको कहें उसका माइक बंद कर दें, गेट आउट, इसको आप इसको इजी ना, उसके बाद ये हमारा जो एतराज, अगर वो सिर्फ स्पीकर इतना कहती है कि आप अपनी बात करें, कोई बात पसंद नहीं आती रूलिंग दे देती कि मुझे आपकी ये बात से इख्तलाफ है उनकी बात ठीक है, और यकीन करें वो एंड कंक्लूजन होता है असेंबली का स्पीकर की रूलिंग, अगर मिर्जा को बदल दिया जाए तो कराची के हालात बेहतर हो जाएंगे। देखिए मैं आपसे इस पे एक बात अर्ज करूंगा, गुज़िश्ते 8 साल में भी बड़े बड़े तबाहकुन वाकयात हुए हैं, इमाम बारगाहों पे हमले हुए हैं और सानहे हुए हैं, नस्तपा का वाक्य हुआ, लेकिन ये जो लूटिंग्स और गैंग वॉर और ये जो लैंड माफिया है, आप इसकी गवाही देंगी कि इसमें इतनी तेजी से जो इजाफा हुआ बराए तवान में इस 2 साल में हुआ है वो पहले नहीं था। okay. मैं पहले इनकी 2 बातों का जवाब दूं, मुझे आपने जो हमदर्दी का इजहार किया हमारे साथी की शहादत पे, बड़ा शुक्र गुजार हूं मैं, मुस्तफा के बाद मेरे दोस्त, लेकिन जो आपने शुरू में 2 इल्जाम लगाए मैं उसकी भी मजम्मत करता हूं, आप सूबाई सदर हैं, आपका हक है, आपको कोलेशन का एहतराम थोड़ा सा करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल आप अपनी राय का अख्तियार रखते हैं। 1992 ऑपरेशन के बाद जो जो हमारे साथियों की हलाकतों पर हंसते थे ये प्याज ने मुंह काले कर दिए, मैं उस पर तफसील में नहीं जाऊंगा, ये गैर जमहूरी तरीके से हुआ, और सबसे बड़ी बात, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी पीपल्स पार्टी के साथ और उनके प्रेसिडेंट को चेयरमैन के साथ हम उस मफामती पॉलिसी पे कार्य तरीके अल्ताफ हुसैन भाई की बात पर लबैक करते हुए चलते रहेंगे, चाहे उनको बुरा लगे चाहे किसी को भी, चाहे आपके कारकुनों को, दूसरी बात, चाहे आपके कारकुनों को भी बुरा, आपने बात गलत कर दी ना, अब आपने बात की थप्पे वाली, 51 सीटें आप आर्मी भी बुलाएंगे और उसके बाद इलेक्शन भी कराएंगे, आप वो गलती जो सवात वजीरिस्तान मालाखंड में कर चुके हैं, पख्तून तालिबान अगवान उन्होंने आपको 275 कारगुना आपके मारे हैं, आपके एनपीएस को मारा है, आपने वहां पे बहुत बुरी तरह उनसे अपनी आवाम को पिसवा कर, अब कराची में अगर आप आकर यहां पर लाशों की सियासत करेंगे और इस जमहूरी इलेक्शन को जो 18 फरवरी का हुआ था, जिसको यूरोपीय यूनियन तक ने कंसिडर किया, पीपल्स पार्टी ने किया, एएनपी ने किया, नवाज लीग ने किया, आप बैठ के कहते हैं थप्पे, ये कौन सी कॉलेशन है शाही से, ये साहब आपने किस किस्म का इल्जाम लगा, क्या ये जज्बात में कह गए आप, ये संजीदगी से इल्जाम था, और अगर संजीदगी से इल्जाम था तो मैं आपको दोबारा दरखास्त करूंगा कि जब इलेक्शन का वक्त आएगा तो उस वक्त ये बयान दीजिए, मैं भी आपके सामने सीट पे खड़ाऊंगा, आप भी होंगे, आपकी सीटें हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, आप 10 सीटें जीते, ठीक है, इल्जाम कराची में मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वजीर दाखिला पे मुहर्रम के दिन वायलेंस और उसके साथ साथ कराची में टेररिज्म का इल्जाम लगाया है, उसमें उनके ऊपर अदालती कार्रवाई हो सकती है, वो जेल जा सकते हैं, उनके ऊपर कत्ल का मुकदमा दर्ज हो सकता है, क्या आपके पास कोई एविडेंस है ताकि हमें भी तो पता चले वजीर दाखिला बेबाकी है तो कातिल भी है? जब हमें बुलाया जाएगा तो हम एविडेंस भी प्रोड्यूस करेंगे। कौन बुलाएगा आपको? जब जो भी इदारे उसका नोटिस लेंगे, और अगर हमसे हमारे इस स्टेटमेंट को हम इसको बैक करते हैं, हमारी राबता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर ने दिया है, और जब हमसे ये स्टेटमेंट मांगा जाएगा, जैस्मीन वी आर वेरी मेच्योर एंड डिसिप्लिन, जो बात हम कह रहे हैं उसको हम दोबारा दोहरा रहे हैं, दैट मींस यू हैव प्रूफ,
अगर हमारे पास हाँ हमें बुलाया जाएगा तो जो कुछ हमारे पास है एविडेंस हम जरूर पेश करेंगे, चाहे वो प्रेसिडेंट साहब के सामने पेश करें, चाहे वो किसी भी जो भी हमसे इस पर। यानी कि नबील गबोल का जो बेटा था वो इन तमाम कार्रवाइयों में मुलव्वस था और जुल्फिकार मिर्जा साहब उससे ये काम करवा रहे थे। पीएस औरंगी में उनकी गिरफ्तारी हुई, ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल गिरफ्तारी हुई, क्लेशन उनके पास से मिली, उसका लाइसेंस नहीं था। इट वॉज एविडेंटली इवन रेंजर्स के कर्नल ने पुलिस से कहा कि ये आप हमें हैंडओवर करें क्योंकि अरेस्टिंग रेंजर से हुई थी। तो पुलिस के एसएचओ ने नाम दिया होम मिनिस्टर साहब को, कहा कि मुझे ऑर्डर नहीं है कि मैं आपको हैंडओवर करूं।